वगैरह ठीक की जाए, तो इसकी पैदावार है अभी इसमें क्या कहते हैं, इसकी गोड़ी होने वाली है। जैसे ही गोड़ी होगी तो फिर इसमें पौधों की बढ़ोतरी होगी। अभी क्या कहते हैं, इसे पानी लग रहा है, मैं आपको तो चेक करवाता हूँ, आए मेरे साथ। इस खेत को पानी लग गया है, ये अभी पानी लगा दिया है। बाकी क्या कहते हैं, माशाल्लाह से ये भी ये कहते हैं कि जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वो गेतरी थी, कह लें कि फरवरी काश थी। ये जो है ये क्या कहते हैं, अप्रैल में काश्त किया गया है, लास्ट अप्रैल पे। अभी इसकी इसमें गोडी शोडी भी होने वाली है। इसमें सिर्फ जब जैसे काश्त किया था तब इसमें एक बोरी DAP और उसे एक एक बोरी यूरिया डाली थी, और इसमें साथ में ये क्या कहते हैं, जो जड़ी बूटियों का स्प्रे किया हुआ था। और ये गालबन दो दो से 3 एकड़ है, कॉटन का खेत है। इसे पानी लगा दिया, ये आगे खेत है, चारा है, चारे को पानी लगा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्या उस कहते हैं अगेत्री के पास है, जो कि टाइम से पहले काश्त की हुई है, उसकी मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, मगर मैं अभी आपको आज इसकी नई वीडियो एक और अपडेट कर दूँ, मतलब कि इसमें ऐड कर दूँगा चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब के साथ भी मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, आपको बताएंगे कि कॉटन को कब और किस टाइम पे पानी देना चाहिए और इसकी पैदावार ज़्यादा लेने के लिए क्या करना चाहिए, और इसे जड़ी बूटियों से कैसे बचाया जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन हैं इंशाल्लाह इसके लिए भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडियो में इंशाल्लाह मीटिंग अरेंज करके आप लोगों को क्या कहते हैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या हमें फसल को मतलब देना चाहिए, कितना इसे खुराक देनी चाहिए, और इसे कितना इसमें मतलब इसमें पानी लगाना चाहिए, और क्या इसमें जिंक फ्लड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जड़ी बूटियों से पाक रखने के लिए कौन सी स्प्रे इसे करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग अरेंज करूँगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप सबको मिलती रहें। और क्या उस कहते हैं, साथ में मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, जिस बंदे को जिस भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट कर सकता है, ताकि फिर हम जो भी रहनुमाई हो सकी वह हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह।
तो इसकी पैदावार है अभी, इसमें क्या कहते हैं, इसकी गोड़ी होने वाली है। जैसे ही गोड़ी होगी तो फिर इसमें पौधों की बढ़ोतरी होगी। अभी क्या कहते हैं, इसे पानी लग रहा है, मैं आपको तो चेक करवाता हूँ, आए मेरे साथ। इस खेत को पानी लग गया है, ये अभी पानी लगा दिया है। बाकी क्या कहते हैं, माशाल्लाह से ये भी, ये कहते हैं कि जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वो गेतरी थी, कह लें कि फरवरी काश्त थी। ये जो है ये क्या कहते हैं, अप्रैल में काश्त किया गया है, लास्ट अप्रैल पे। अभी इसकी इसमें गोडी छोड़ी भी होने वाली है। इसमें सिर्फ जब जैसे काश्त किया था तब इसमें एक बोरी DAP और उसे एक एक बोरी यूरिया डाली थी, और इसमें साथ में ये क्या कहते हैं, जो जड़ी बूटियों का स्प्रे किया हुआ था। और ये गालबन दो दो से 3 एकड़ है, कॉटन का खेत है। इसे पानी लगा दिया है। ये आगे खेत है, चारा है, चारे को पानी लगा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्या उस कहते हैं अगेत्री के पास है, जो कि टाइम से पहले काश्त की हुई है, उसकी मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, मगर मैं अभी आपको आज इसकी नई वीडियो एक और अपडेट कर दूँ, मतलब कि इसमें ऐड कर दूँगा चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब के साथ भी मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, आपको बताएंगे कि कॉटन को कब और किस टाइम पे पानी देना चाहिए और इसकी पैदावार ज़्यादा लेने के लिए क्या करना चाहिए और इसे जड़ी बूटियों से कैसे बचाया जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन हैं इंशाल्लाह इसके लिए भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडियो में इंशाल्लाह मीटिंग अरेंज करके आप लोगों को क्या कहते हैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छी फसल लेने के लिए क्या क्या हमें फसल को